हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज एक फिर से जो है जर्नी होने वाली है। पिछले दिन जो है मैं जा रहा था, जैसे कि आप लोगों को बताया ही था, और आज फिर से हम लोग जो है वो निकल चुके हैं एक नई जर्नी पे। अब भी देखते हैं कहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि प्लान तो काफ़ी जगह का है। जहाँ की बस मिलेगी उधर ही निकल जाएंगे, है ना रफी? क्यों मतलब प्लान तो है ऐसा कि भाई घूमने जाना है, बट जो है कहाँ पे घूमने जाना है वो भी मेरे को भी नहीं पता है। वो मैं आप लोगों को बस स्टेशन पहुंच के ही बताऊंगा। जहाँ की बस मिलेगी वहाँ ही चलेंगे। बीच यहाँ से चले दमन, दमन से चलेंगे वापी, और वापी से हमारी जो है बस मिलेगी। अब देखो कहाँ की बस मिलती है। जहाँ की बस मिलेगी उधर ही बैठ लेंगे, क्या दिक्कत है ना? दिन भर में घूम के आना है, शाम तक वापस घर आ जाना है, और क्या है। शाम तक नहीं आएंगे, कल सुबह तक आ जाएंगे, है कि? अरे ये यार, यार हाय कर दो। तो भाई चलो चलते हैं, और आज का ये जो है फैमिली ब्लॉग होने वाला है। हाँ 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 तितली देखो भाई, आज का जो है बना ही चल रहा है। तो यही है भाई आज का जो है वो फैमिली ब्लॉग होने वाला है, और फैमिली के साथ जा रहे हैं घूमने के लिए। डेली डेली अकेले अकेले जाते रहते हैं, बट जो है हमने कहा चलो आज इनको भी जो है वो घुमा देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हाल अभी आ चुके हैं भाई दमन से, और यहाँ पे से जो है अभी देखते हैं वापी की बस के लिए, क्योंकि टैक्सी वगैरह वाले तो वही लूट लेते हैं। जहाँ पे मतलब 20-25 रुपये लेना चाहिए, 20 रुपये या 30 रुपये ले लो, वहाँ से 50 रुपये ऐसा लेते हैं। तो ये है सिटी सेंटर दमन का, और ये है हमारे यहाँ का टैक्सी स्टेशन। ये है इधर पे वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, और इधर पे बस स्टेशन है, और ये कुछ इस तरह से मॉल है। शायद वापी वाली बस जो है वो खड़ी है कि वलसाड़ वाली खड़ी है, देखना पड़ेगा कहाँ की बस खड़ी है। बस तो खड़ी हुई है, तो चलो चलते हैं देखते हैं। ये कुछ इस तरह से है बस वापी वाली, तो यहाँ से बस अभी निकल रहे हैं वापी के लिए, और वापी चल के देखते हैं कहाँ की बस मिलने वाली है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे वापी पे। वापी से निकल चुके हैं, और अगली बस जो है ये मेरी, ये है सीधे नासिक के लिए। त्र्यंबकेश्वर के लिए बस जो है वो मिल नहीं रही थी, तो फिर जो है नासिक के लिए मैं जो है बैठ गया हूँ। और यहाँ से अभी कपराड़ा होते हुए ये जो बस है वो नासिक पहुँचेगी, तो नासिक से फिर चलना पड़ेगा हमको। फिलहाल सामने देख सकते हो कपराड़ा का बस स्टेशन कुछ इस तरह से दिख रहा है। बाहर हो रही है तेज़ी के साथ बारिश, इसलिए जो है मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। और ये अगर आप देखो, ये कुछ इस तरह से कपराड़ा का बस स्टेशन है यहाँ पे पीछे मेरे, और यहाँ से अभी हम काफ़ी दूरी अभी आ चुके हैं, और अभी जो है आधी से ज़्यादा जर्नी अभी बाकी है। अभी फ़िलहाल कपराड़ा आ चुके हैं, कपराड़ा का बस स्टेशन जो है वो बाहर है, और यहाँ से सीधे नासिक चलेंगे। नासिक से त्र्यंबकेश्वर के लिए बस मिल जाएगी। चलो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। फिलहाल अभी हमारी बस जो है काफ़ी ख़तरनाक रास्तों से होते हुए आगे की तरफ चल रही है, और यहाँ पर देख सकते हो आर्स हो गया है। रश्मि की भी तबीयत जो है थोड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि बस में सफ़र करना इनको जो है सही नहीं लगता है। इनका जो है थोड़ा जो है तबीयत सही नहीं होने लगती है बस में। फिलहाल चलो बस का ही सफ़र है, क्या कर सकते हैं। फिलहाल चल रहे हैं, और नीचे जो है खाई है। फिलहाल अभी हमारी बस जो है नासिक के पहले जो टोल प्लाजा पड़ता है यहाँ पर आ चुकी है। ये कुछ इस तरह से छोटा सा टोल प्लाजा है, और अभी समय 2 बज रहा है, और अभी हमारी जो है बस का पहला स्टॉप हुआ है। मतलब अभी जब से चली है तब से स्टेशन पे तो रुकी है, बट जो है अभी वैसे मतलब खाने पीने के लिए पहला स्टॉप हुआ है। तो ये है कन्हैया राजस्थान ढाबा, और ये बस है भाई वापी छत्रपति संभाजी नगर, और इधर पे भी जस्ट रुकी हुई है, ये है रेस्टोरेंट। और मानसून देखो भाई, इधर पे भी बारिश वगैरह हो रही है, उसकी वजह से जो है कुछ इस तरह से पूरा जो है मडी मड़मड़ ही दिख रहा है आप लोगों को। ये पूरा जो एरिया आप देख ही सकते हो। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, चलते हैं और आपसे मिलते हैं। देखो आगे आगे तो रुकने वाली नहीं, सीधे नासिक पे रुकेगी, तो नासिक के बस स्टेशन पे आपसे सीधे मुलाकात होगी। और यही है कि भाई मैं जो है ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, बारिश ज़्यादा हो रही है, और पीछे का भाई इलाका इतना ज़्यादा जो है ख़तरनाक था, बहुत चढ़ाई थी, और उसकी वजह से आस और रश्मि की तबीयत भी सही नहीं। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे। यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इस तरह से जो है नासिक के पहले जो पहाड़ पड़ते हैं इनका जो है नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है, और ऐसे ही बादलों के आगोश में जैसे पहाड़ जा रहे हैं आप लोग देख ही सकते हो। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। अभी वापी से चलकर अभी आ चुके हैं नासिक पे, और नासिक के बस स्टेशन पे आ चुके हैं। और भाई ये यात्रा कंप्लीट करने में, यानी कि हमको जो है नासिक तक पहुंचने में करीब 5.5 घंटे का समय लगा है। 3:30 बजे इसने हमको जो है यहाँ पे पहुंचा दिया है, और 10 बजे ये जो बस है हमको लेके चली थी वहाँ से। तो चलो
अभी आप लोगों को जो नासिक का बस स्टेशन है वो भी मैं दिखा देता हूँ। और ये कुछ इस तरह से व्यू है, ये इधर पे जो है बस स्टेशन, तो यहाँ पर देख सकते हो तो ये कुछ इस तरह से पूरा जो बस स्टेशन है जहाँ पर हमारी बस रुकी हुई है ये देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से लगाकर वहाँ तक 10 जो है प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहाँ पर बसें रुकती है। और यहाँ से हमारी बस नहीं मिलेगी, हमारी बस मिलेगी अगले स्टेशन से जो कि अगला रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये नासिक पहुँच चुके हैं और रश्मि ने ली थी यहाँ पे अमरूद, तो अभी वही खा रहे थे। और चलो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, आगे 1 किलोमीटर बस स्टेशन है वहाँ से चलते हैं और मिलते हैं आपसे बस स्टेशन। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं दूसरे बस स्टेशन पे जो कि ठक्कर बाजार के पास में पड़ता है, ठक्कर बाजार बस स्टेशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं, ये सामने जस्ट है बस स्टेशन जो कि यहाँ से जो है त्र्यंबकेश्वर के लिए जो है बस मिल जाएगी। तो यहाँ से करीब अभी 1.5 घंटा लगेगा चलने पर क्योंकि यहाँ से जो है करीब 40 किलोमीटर की दूरी है। तो चलो चलते हैं बस स्टेशन पे, बस पकड़ते हैं और फिर मिलते हैं आप। नए बस स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर के लिए बस मिल गई है, तो चलो चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से जो है अजनेरी पर्वत जो है वो देखने के लिए मिला है जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। फिर कभी आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जरूर घुमाएंगे। त्र्यंबकेश्वर बस स्टेशन पे आ चुके हैं और चलो चलते हैं। सबसे पहले जो है अभी हम पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर पे और यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले होटल वगैरह का जो है स्टे का व्यवस्था करते हैं। इस तरह से बस स्टेशन है भाई, यहाँ पे पानी वगैरह होता रहता है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कचरा हो रखा है, मतलब मिट्टी जो है क्योंकि यहाँ पे फिलहाल रहने की व्यवस्था हो गई है। और अभी हम चल रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ और चल के दिखाते हैं कि कैसा है पूरा एरिया जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और यहाँ से मंदिर वो कितनी दूर है वो भी मैं दिखाऊंगा, बाहर का व्यू कैसा है वो भी दिखाऊंगा। रश्मि भी जो है वो आ चुकी है, तो चलो चलते हैं, निकलते हैं बाहर की तरफ और चल के दिखाते हैं आप। फिलहाल अभी हम हैं मुक्ति धाम में और यहीं पर हम रुके हुए हैं। और भाई रूम वगैरह तो मिल नहीं पाया बट डोरमेट्री मिल गई है। तो पहले दिखा दूँ किस तरह से है मुक्ति धाम का पूरा जो है व्यू। तो ये कुछ इस तरह से एंट्री गेट है, सामने मंदिर है यहाँ पर जहाँ पर आप जाकर सुबह सुबह दर्शन कर सकते हो। श्री गजानन महाराज संस्थान का जो है ये ट्रस्ट है जहाँ पर ये कुछ इस तरह से पूरा आप व्यू देख सकते हो देखने के लिए। और सामने मंदिर है जहाँ पर आप जाकर जो है दर्शन कर सकते हो। सामने ऊंची ऊंची पहाड़ी दिख रही होंगी और यहीं पे अजनेरी पर्वत भी है जो कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है। तो ये कुछ इस तरह से साईं बाबा का यहाँ पर मंदिर है। और आर्स और रश्मि कैसा लग रहा है ना? अभी अभी हल्की सी बारिश बंद हुई है तो हम लोग बाहर निकले हुए हैं थोड़ा। तो ये है कुछ इस तरह से पूरा माहौल। और आप लोगों को ये जो है जर्नी यहाँ तक की कैसी देखने में को मिली है, कैसी लगी है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें।